हाँ जी, आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डिफरेंट जैसे क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एक या दो प्रिंसिपल्स के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब एक मैनेजर जो है वो अच्छे से डायरेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉइज को, सुबॉर्डिनेट्स को एक सही डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कहता है या सही डायरेक्शन में टास्क परफॉर्म करने के लिए देता है, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाता है, तो क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो क्या है, वो अपना अच्छी एबिलिटी के साथ वर्क को कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि नो डाउट उनमें स्किल्स होती है तभी वो पर्टिकुलर जॉब के लिए उनकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, या पर्टिकुलर जॉब उनको मिलती है, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर जो सुपीरियर है, ठीक है, या फिर जो मैनेजर है, अगर वो सही डायरेक्शन दिखाता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, देन वो अपनी कैपेबिलिटी का सही यूज करते हैं और अच्छे से वर्क को परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर वे से जो भी रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड देन प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी निकलती है जो भी वो वर्क करते हैं। ठीक है, जो भी टास्क उनको दिया जाता है उस राइट तो कहने का यही मतलब है सिंपल सा कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन तभी होती है अगर क्या है जो सुपीरियर है वो सही डायरेक्शन देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, देन सबॉर्डिनेट्स अपनी एबिलिटी का सही यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, सिंपल था पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब इम्प्लॉइज वर्क करते हैं ना, तो उनको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी वो कॉन्शियस होते हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कॉन्शियस होते हैं। तो जो सुपीरियर है वो इस तरीके से अपने इम्प्लॉइज को या हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करता है, ठीक है, सो दैट क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते क्या है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर जाते हैं। राइट, सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इम्प्लॉइज जो है वो सिर्फ क्या है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ही ध्यान दे, ठीक है, टीम वर्क में काम ना करें या जो भी डायरेक्शन दी है सुपीरियर ने उनको कि किस तरीके से काम करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, नो डाउट दे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होने चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज भी ग्रो करते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। हमने एलिमेंट में भी पढ़ा था, ठीक है, तो सुपरविजन का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिर्फ डायरेक्टिंग में एक डायरेक्शन दिखाना ही सफिशिएंट नहीं है, डायरेक्टिंग में क्या है सुपरविजन भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, किस तरीके से वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, कैसे अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छी सुपरविजन होगी तो देन कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं समझ आ रहा है या उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से वर्क करना है, कहीं पे उनको ट्रेनिंग की जरूरत है या सपोज उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, ठीक है, काम करते करते, तो देन उस टाइम पे क्या है डायरेक्ट सुपरविजन क्या है ये हेल्प करती है एम्प्लॉयज के लिए उनको उनके टास्क कंप्लीट करने में। उसके बाद है पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। अब इसमें क्या आता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मैनेजर है उसको ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए कि जिनके थ्रू वो अपने एम्प्लॉइज को जो है जो भी टास्क दे तो वो जो एम्प्लॉइज हैं वो एफिशिएंटली उस टास्क को कंप्लीट करें। ठीक है, अब सीधी सीधी लैंग्वेज में हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, सम टाइम क्या है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। कई ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि जैसे कैश से रिलेटेड, मतलब जैसे कैश रिवॉर्ड दे दिया उनको या उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा दिया, इस तरीके से मोटिवेट होते हैं। कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको रिकॉग्निशन चाहिए या सिंपली सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है, कि मतलब उनको नो डाउट
अच्छी रेमुनरेशन तो चाहिए ही, हर एक को चाहिए होती है, लेकिन क्या है सम टाइम कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनको ये चाहनी होती है कि मतलब मुझे चार पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए या कुछ भी, वो सिंपली क्या है कि रिकॉग्निशन फाइंड करते हैं। ठीक, तो मैनेजर को ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिसमें क्या है वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाए। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो कैश बेसिस पे भी हो सकती है, नॉन कैश भी, वो डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो कैसे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स या समटाइम उनकी वांट्स क्या है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर मैनेजर्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखते हैं, तो देन डेफिनेटली जो एम्प्लॉइज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अच्छा वर्क करते हैं, लॉयल्टी के साथ वर्क करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, वो ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। राइट, उसके बाद देखिए यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए। ठीक है, अगर क्या है यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अगर जैसे जो सुपीरियर है, ठीक है, वो क्या है दो या दो से ज्यादा है या सपोज एक से ज्यादा ही है, तो देन उस केस में भी क्या है कंफ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स वहां पे कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं पता चलता उन्होंने किस सुपीरियर की, किस बॉस की उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है या उनके ऑर्डर्स को मानना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है देयर इज ओनली वन बॉस, एंड बॉस जो है वो एक ही मतलब जो भी पर्टिकुलर टास्क है उसको ही ऑर्डर करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए। राइट, तो इससे क्या है कि अगर एक बॉस होगा, एक ही बॉस ऑर्डर कर रहा है, तो अगर सेम मैनर में वो ऑर्डर कर रहे हैं, सेम उसी मैनर में जो सबॉर्डिनेट्स हैं उस चीज को एक्सेप्ट करके वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। देन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो एक सुपीरियर है वो क्या है एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए अपने एम्प्लॉइज को रेडी करे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, सो दैट जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दें। अगर क्या है सबॉर्डिनेट्स को ज्यादा नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स उनको दे दिए कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और लिमिटेड टाइम आप उनको दे रहे हो, तो देन क्या होगा कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। जब एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए देन दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ उनको डायरेक्ट करो। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जो आपने डायरेक्शन देनी है सबॉर्डिनेट्स को वो फॉर पर्टिकुलर वन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यू कैन गिव टू योर सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहती है कि प्रॉपर चैनलाइज होनी चाहिए कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, व्यूज है, ठीक है, वो क्या है इफेक्टिवली कम्युनिकेट होने चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में और हायरार्किकल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे हमने स्केलर चेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी, एंड गैप प्लान के बारे में भी पढ़ा है, तो वो चीज क्या शो करती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन शो करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन मतलब होनी चाहिए वो सही ढंग से हो, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक वे में हो, तो इससे क्या होगा जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या है सही तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं आएंगे, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी इजीली अचीव होंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि जो मैनेजर है, ठीक है, जब मीटिंग्स होती हैं, जब डिसीजन मेकिंग होती है, उस टाइम पे एम्प्लॉइज जो हैं, अगर वो कोई आइडियाज देते हैं, सजेशंस देते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसमें उन सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज की भी रिस्पेक्ट हो, ठीक है, उसको उस चीज को भी अप्रिशिएट किया जाए। क्योंकि जो मैनेजर है ना, एक अच्छा मैनेजर जो है वो ऑलवेज क्या देखता है, वी आर टुगेदर एंड वी कैन डू द बेटर इंस्टेड ऑफ आई, ठीक है। कुछ एक मैनेजर्स ऐसे होते हैं ऑटोक्रेटिक टाइप कि वो क्या सोचते हैं सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और अपनी ही मर्जी से, जैसे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी वजह से ऐसे हुआ है, लाइक दिस,
ठीक है, अगर मैं ना होता तो आपका काम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके के भी कुछ मैनेजर्स होते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ही ये कहती है कि यहाँ पे मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलके काम करना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर जो मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज की रिस्पेक्ट करता है, उनके आइडियाज को भी क्या है अप्रिशिएट करता है एंड देन अपने डिसीजन मेकिंग में अडॉप्ट करता है, तो देन क्या है जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी अच्छा फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंड लॉयल्टी के साथ वर्क करते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल भी फॉलो होगा तो देन क्या है सबॉर्डिनेट्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। सबॉर्डिनेट्स तो ग्रो करेंगे ही, ठीक है, अच्छा काम करेंगे वो तभी करेंगे अगर क्या है आप उनका साथ दोगे, एंड देन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो देन ये क्या है बेस्ट पॉलिसी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसमें सिस्टमेटिक वे से सभी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल रिलेशंस भी वहां पे बिल्डअप होते हैं, ठीक है। जैसे एक मैनेजर है, नो डाउट वी नो कि जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम जैसे दे सकता है, कोई टास्क दे सकता है, एंड वो क्या है अपने सबॉर्डिनेट्स की हायर पोजीशन है, ठीक है, पता है, तो क्या है कि वो उसकी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। बट सम टाइम क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, मेंबरशिप बन जाती है, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि जब डायरेक्टिंग होनी है तो उस टाइम पे इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज का भी यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव कर सकते हो, ठीक है, उनको क्या है गाइड कर सकते हो, उनके लिए क्या है एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कि आप हाँ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हैंडेड होंगे उनके साथ तो देन डेफिनेटली वो भी आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, एंड देन अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझ के, ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको कोई भी टास्क दे रहे हो परफॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है अच्छे परफॉर्म होंगे, अच्छे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है आप ये कह सकते हैं इफेक्टिवली उनको अचीव किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। हर एक मैनेजर जो है ना वो एज अ लीडर वर्क करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो क्या है सही रास्ता दिखाता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अगर सबॉर्डिनेट्स को हर एक चीज, हर एक टास्क या हर एक टेक्निक, एक मेथड के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेंगे। तो लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो कि जो अच्छा लीडर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको ईच एंड एवरी टास्क के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम में अपने जो भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक बांध के रखे और अच्छी मैनेजमेंट करे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, जिसके साथ साथ उसकी खुद की भी जो है वो ग्रोथ होगी एंड जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी ग्रो होगी। देन है पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका ये मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उनमें ठहराव नहीं हो सकता या वो क्या है स्टॉपेबल नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रही है। अगर कोई प्लानिंग हुई है तो देन वो प्लानिंग दोबारा से होगी। कहने का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर टास्क लिया, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उससे पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग हुई होगी, उसके बाद वो टास्क शुरू हुआ होगा, उससे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म होने शुरू हुए होंगे, तो प्लानिंग जो है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी। फर्दर आगे क्या एंड रिजल्ट निकला है, क्या शॉर्टकमिंग्स आई हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, उन चीज के बारे में नोट डाउन किया, एक समराइज फिगर जो है या हम ये कह सकते हैं कि एक समरी बनाई जाएगी, फाइल रेडी होगी, ठीक है, जिसमें क्या है दोबारा से प्लानिंग होगी कि अगर ये पर्टिकुलर शॉर्टकमिंग्स आई हैं या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं तो देन उसके लिए फिर आगे क्या करना है। जो मैनेजीरियल फंक्शंस है ना, सारे के सारे मैनेजीरियल फंक्शंस जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो क्या है स्टॉप हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
ठीक है, नो डाउट अगर प्लानिंग हुई है, ऑर्गेनाइजिंग हुई है, स्टाफिंग हुई है, डायरेक्टिंग हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो देन क्या है ये चीजें जो है साइक्लिक फॉर्म में चलेगी। ये नहीं है कि एक बार ही अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो गया तो दैट्स इट, दोबारा वो हो गई। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हर एक फंक्शन जो है वो रिपीटेडली परफॉर्म होता है, राइट। तो कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे यही मतलब है कि अगर सपोज हमने ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्शन दी है, हम एक डायरेक्शन में अपने एम्प्लॉइज को क्या है कि काम करने के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, सिर्फ बताना ही यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाता, क्या है कि उनकी जो गाइडेंस है या उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको सजेशंस देने हैं, वो सभी की सभी चीजें क्या है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है और उसकी सक्सेस के लिए जरूरी है, ठीक। सो आई होप आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, आई थिंक सभी कवर हो गए हैं, है ना। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो मैं आपको बोर्ड पे मैंने समझाया है, ठीक है, इसका मैं जो एक पर्टिकुलर नोट्स है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इजीली आप चाहे डाउनलोड कीजिए और उसको रीड अप कीजिए। बुक्स आपके पास होंगी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि हर एक प्रिंसिपल का क्या मतलब है, क्या यूज है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम, आई विल रिवर्ट यू बैक, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट है। अब हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इसी से रिगार्डिंग हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं मैं नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना, उसकी भी आपको जो है पिक्चर फॉर्म मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने पास अपने या एक अलग फाइल लगा लो, ठीक है, या जैसे भी करके प्रिंट आउट निकाल लो आप, तो अपने पास रखो, एग्जाम में आपके काम आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। Why there is a need for directing? Name the four elements of directing. Directing के बारे में बताना है, उसका meaning बताना है इसमें, ठीक है? Then क्यों जरूरत है directing की, ठीक है? इसके जो features हैं उसके बारे में बताना है। Then four elements, ठीक है? कौन-कौन से elements थे? हमने पढ़ा था supervision, leadership, communication and motivation, ठीक है? उसको आपने explain करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, कमांड एंड डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है, ऑर्डर देना है एंड देन क्या है उनको एक जैसे आई वॉच रखना है प्रॉपरली, ठीक है, सो दैट किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, देखना है कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन में ही आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड बताइए अभी हमने रीड आउट किए हैं फोर प्रिंसिपल्स, तो अच्छे से इनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है। आगे है एक्सप्लेन द फोर रीजंस व्हाई डायरेक्टिंग इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, घुमा के क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नीड फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग या नीड के बारे में बताना है, क्यों डायरेक्टिंग की जरूरत है, ठीक है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और क्यों इसको मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है डायरेक्टिंग का मीनिंग देके उसकी नीड इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आपने इसमें लिख दिए। देन टू क्रिएट अ डिजायर अमंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है स्टेटमेंट वाला आ गया, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे डायरेक्टिंग कैसे होती है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में लिखना। उसके बाद डायरेक्टिंग इज क्लोजली कंसर्न विद गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, एक्सप्लेन विद प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है डायरेक्टिंग कहते हैं क्लोजली कंसर्न है विद गेटिंग थिंग्स डन, क्योंकि हमने अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देनी है, उनके द्वारा काम करवाना है, ठीक, एक स्टेटमेंट जो है ये कहती है। एंड देन आपने क्या करना है इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब आप पहले में दे सकते हो
उसके बाद आपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डायग्राम बना के उनको वन बाय वन आपने एक्सप्लेन करना है। तो दैट्स इट, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।